देवभूमि उत्तराखंड जो अतीत से लेकर वर्तमान तक आपदाओं के कई थपेड़े अब तक झेल चुका है, उत्तरकाशी का भूकंप हो या फिर केदारनाथ और चमोली की जल प्रलय, आपदा के ये जख्म दोस्तों आज तक हम कहें तो पूरी तरह नहीं भर पाए। और इसी बीच एक ऐसी खबर अब सामने आ गई है जिसने हमें हैरानी में तो डाला ही है, साथ ही साथ जो भविष्य की एक बड़ी मुसीबत है उससे सावधान किया है। दरअसल इस खबर के केंद्र में चमोली आता है, वही चमोली जो 2021 में अभी बड़ी आपदा देख चुका है। फिलहाल चमोली जिला इस वक्त जोशीमठ में भू धसाव की घटना के बाद से देश भर में चिंता और चिंतन के केंद्र में है। अब चमोली जिला भूकंप की संवेदनशीलता के लिहाज से इस वक्त चर्चा में आता दिखाई दे रहा है। यूं तो समूचा उत्तराखंड ही भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है, लेकिन चमोली जिला ज्यादा चिंता बढ़ा रहा है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की जो ताज़ा रिसर्च है वो बताती है कि उत्तराखंड के बाकी इलाकों से इतर चमोली जिले की जमीन 10 गुना भूकंपीय ऊर्जा बाहर निकाल रही है। अब वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान की ये ताज़ा रिसर्च साफ बताती है कि उत्तराखंड के बाकी क्षेत्रों से इतर चमोली की जो जमीन है वो ज़्यादा भूकंपीय ऊर्जा निकाल रही है। इस संस्थान के शोध पत्र की बात करें तो उसके जो डायरेक्टर हैं कालाचांद साईं, उन्होंने कई वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ मिलकर चमोली क्षेत्र की भूमि की संवेदनशीलता की स्थिति का आकलन किया। उसके लिए उत्तराखंड क्षेत्र में 5500 भूकंपों का अध्ययन किया गया। साल 1999 से 2020 के बीच के इन भूकंपों में 511 में सिर्फ भूकंपीय ऊर्जा का आकलन किया गया। ये स्टडी में शामिल किए गए भूकंपों की जो तीव्रता है 2 से लेकर 5.7 मैग्नीट्यूड थी। और इस रिसर्च में पता चला कि उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों में भूकंप से 10 से 12 बार ऊर्जा बाहर निकली, जबकि चमोली क्षेत्र में यह ऊर्जा 90 से 100 बार तक गिर रही। वरिष्ठ विज्ञानी डॉक्टर तिवारी के मुताबिक ये हालात बताते हैं कि चमोली के भूगर्भ में न सिर्फ ज़्यादा ऊर्जा इकट्ठा हो रही है, संचित हो रही है, बल्कि वो उसी अनुपात में बाहर भी निकल रहे हैं। वाडिया संस्थान के वरिष्ठ विज्ञानी डॉक्टर तिवारी के मुताबिक चमोली में सतह से 12 से 14 किलोमीटर की गहराई में ठोस चट्टाने और गर्म तरल पदार्थ हैं जो भूकंपीय ऊर्जा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर चमोली जिले में भूकंप अगर आएगा तो तीव्रता से आएगा। ऐसे में वैज्ञानिकों ने प्रशासन और शासन को पहले ही सतर्क रहने के लिए कह दिया है। दोस्तों इस वीडियो को, इस जानकारी को आप आगे भी पहुँचाएं, इस वीडियो को शेयर करें और ऐसी वीडियो उसके देखने के लिए रायशुमारी को भी सब्सक्राइब कर लें।